देश दुनिया के लिए प्रदूषण एक विकराल समस्या बनता जा रहा है। इसके बावजूद विश्व भर के देशों की तमाम सरकारें इस गंभीर मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी देरी के पर्यावरण प्रदूषण के लिए लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं राजीव कुमार, जिन्होंने पर्यावरण प्रदूषण पर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया है। 1995 से शुरू हुआ यह सिलसिला आज तक जारी है। देश की सबसे ऊंची 9 फुट 4 इंच की साइकिल पर सवार होकर चंडीगढ़ से 5100 किलोमीटर का सफर तय कर चंडीगढ़ से मुंबई पहुंचे चंडीगढ़ निवासी राजीव कुमार उर्फ जॉनी पहले से लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जगह बना चुके हैं। राजीव, इनके इच्छा अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने की भी है और इसके बाद अब बहुत ही जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक का सफर अपनी साइकिल पर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा नाम है राजीव कुमार जॉनी और मैं पिछले 24 ईयर से साइकिलिंग कर रहा हूँ। कई साइकिल डिजाइन कर चुका हूँ। मेरा लिम्का बुक इंडिया बुक का यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम एंटर हो चुका है। ये जो अभी लेटेस्ट समय जर्नी की है, ये थी हमारी चंडीगढ़ टू मुंबई बाईसाइकिल। इसमें हमारा उद्देश्य था साइकिल टू वर्क सेफ इन्वायरमेंट। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, लोग साइकिल का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बच्चे तो साइकिल चलाने में शेम समझते हैं। सो यही हमारा उद्देश्य था भी साइकिल का इस्तेमाल कीजिए, उसे उनकी हेल्थ भी बेस्ट रहेगी और जो हमारा पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है वो भी कंट्रोल में हो जाएगा। मेरी हॉबी है साइकिलिंग। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले 95 में साइकिल डिज़ाइन किया था और ये 2013 मॉडल है और इसके अलावा कई और साइकिल मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ और मुझे अब जो नेक्स्ट जर्नी करनी है वो है कश्मीर टू कन्याकुमारी। उसके लिए मैं साइकिल डिज़ाइन कर चुका हूँ, अभी मैंने उसको बनाया नहीं है। तो उससे मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी जर्नी करूँगा तो उसमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए है और उसमें मेरा और अपने देश का नाम रोशन होगा। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।